नमस्कार। आप सभी को मेरा भी 5 किलो का नमस्कार। ढाई ढाई सब समान समान समान। मैं आप सभी का सम्मान करना चाहता हूँ। ऐसे माहौल में भी आप लोग यहाँ पे खुद चल के आए हैं। साहब, इस सम्मान की बात नहीं कर रहा मैं। फिर आप लोगों ने जो यहाँ आकर हमें सम्मान दिया है, पूरे परिवार को मैं हाथ जोड़ के थैंक्स करना चाहता हूँ। साहब, इस सम्मान की बात कर रहा हूँ मैं। 150 रुपया दीजिए। 150 बहुत महंगा है, नहीं चाहिए हमें, कहीं और जाके बेचो। साहब, मैं सामान बेचने थोड़ी आया हूँ, मैं स्टेशन से उठा के लाया हूँ। शर्म नहीं आती है तुम्हें? स्टेशन से सामान उठा के ले आए तुम यहाँ पर? ऊपर वाले ने हाथ दिए, पैर दिए, मेहनत करना बेटा। साहब, मैं कुली हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, सामान उठाता हूँ मैं। आपका सामान है? ये हमारा सामान नहीं है। तो मुझसे क्यों उठवाया फिर? अरे तू खुद ही आया था, तूने कहा मैं कुली हूँ, सामान उठा लूँ, हमने कहा उठा ले। यार ये क्या बात है? किसी और का सामान उठाकर ले आए? हाँ, ये समझाइए, अजीब आदमी है। और मैं इस सामान का क्या करूँ? देख बेटे, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच तो आज तुझे सम्मान मिला है, वो जिंदगी भर की पूंजी है तेरे लिए। सर, मैं इस सम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ। सम्मान भाई, पापा ये हमें आ जाते हैं। सम्मान सम्मान, बाबा इतने महान लोग हैं यहाँ पे, इनको देखिए बेटे। हाँ बाबा, एसी कम करवा। आवा, एसी तो पहले से कम है। हाँ तो फिर गेस्ट कम करवा, मुझे नर्वसनेस हो रही है। ऐसे नर्वसनेस की क्या बात, सभी बड़े अच्छे इंसान हैं। जॉनी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। राजपाल नहीं, नहीं हम करेंगे, अंदर से तो कृष्णा ही हूँ, उसमें क्या हो गया। राजपाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो हैं बाबा। परेश रावल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। डेविड साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा, परेश रावल जी, डेविड साहब आए नहीं हैं। आए नहीं तो क्या अच्छे इंसान नहीं है क्या वो? बात कर रहा है। हेलो, पिछले महीने बेटा मैंने कुली नंबर 1 देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा, पिछले महीने फिल्म आई नहीं थी, कहाँ से देख लिया आपने? नहीं, मैं पहली वाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अपने घर की फिल्म है। उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप भी थोड़ा अच्छा करते ना तो इस घर की फिल्म में भी आप होते हैं। जी जी, ऐसी बात नहीं करते। ची ची तो वैसे भी आपसे बात नहीं करते। घर की बात नहीं करना यहाँ, बात बाद में बंगले पे बुला के थप्पड़ मारेंगे मुझे। मैं पूछ नहीं कर रहा हूँ बाबा। इतने सारे अच्छे लोग आए हैं यहाँ पर, इनसे बात की, जैकी जी से बात की। हाँ जैकी, मेरा बच्चा है तू। नहीं बाबा, ये जैकी श्रॉफ नहीं है। अरे तो किसी ना किसी का तो बच्चा है ना वो। अपने वाशु जी का बच्चा है। हाँ बाबा। हाँ बेटे, हाँ नहीं ठीक है, आप तो छू भी लेंगे चलेगा, आइए। मुझे आज भी याद है मेरे स्ट्रगल का टाइम। मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में वाशी से आता था और इनके डैडी वाशु से आते थे। बेटे इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। इस फिल्म से खूब पैसे आएंगे, जोरदार तालियां हो जाए। आपका तो प्रोडक्शन हाउस भी हिट है और आप पे तो कहावत भी हिट हो गई है। कौन सी कहावत बाबा? भगनानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भगनानी शादी में
बगनारी शादी नहीं है पापा, बेगानी शादी। हाँ तो हमें किसी ने बुलाया था कि हमें क्या लेना देना, कुछ भी बोलो। ये बात भी ठीक है। वैसे जैकी जी, एक और बात जाननी थी, आपके पापा वास्तु शास्त्र में यकीन रखते हैं या वाशु शास्त्र में? आप बैठिए जरा, इसको मैं देखूं। हाँ बोलिए पापा। बेटा ये जो तूने बात बोली है ना, हाँ पापा, ये बात सुन के मेरी आंखों से खुशी के वाशु निकल आए बेटा। वाशु नहीं निकलते हैं पापा, आंसू आंसू निकले होंगे। अच्छा तेरा वास्तु वाशु हो सकता है, मेरे आंसू वाशु नहीं हो सकते। बात किया जा रहा, मैं इस बात पे घोर निंदा करता हूँ बाबा। एक बात है जिसकी निंदा मैं भी करता हूँ। कौन सी बात? कल मैंने एक फिल्म देखी पापा, इट वॉज कॉल्ड यमला पगला दीवाना। अच्छा, उसमें पापा कोई आपकी मिमिक्री कर रहा था। अबे कदे, वो लोग असली हैं, हम लोग नकली हैं। असली है? हाँ। तो क्या असली नकली लगा रखा आप दोनों ने? तू क्या, तू ही तो करवाता है ये सब। फिर बोलता है तो सुबह से स्कर्ट पहन के बैठा हूँ, पता है झुक के सब्जी भी नहीं खरीद पाया हूँ मैं। इतनी प्रॉब्लम है, ये क्या है ये? सच कह रहे हैं मेरे पापा, वो स्कर्ट की वजह से झुक नहीं पाते, मैं पेट की वजह से झुक नहीं पाता, इसके चलते दो हफ्ते से हमारे घर पे सब्जी नहीं आई है। भूखा हूँ मैं, ना टिंडी ना भिंडी कुछ नहीं आया। बेटे मेरा बेटा, संतरे वाली गोली खाएगा? खाऊंगा। मेरा बेटा जंगल में जाएगा? जाऊंगा पापा। शेर पकड़ के लाएगा? लाऊंगा पापा। डरेगा तो नहीं? नहीं पापा। डर गया, डर गया, हट, डर गया मेरा बेटा, डर गया पापा। डर दे वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंतराय का पट्टा अपने गले में, यू कस्टर्ड। अच्छा फिर आगे क्या होता है? आवाज बातें करता रहता है, कूल डाउन बेटा। वो देख सब आराम से बैठे हैं यहाँ पे। आराम से वो बैठते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अरे इतने हैंडपंप उखाड़ता क्यों है, तभी तो पानी भरा होता है। बात किया जा रहा है, यहाँ ये लोग आए हैं, बात तो करने दे यार। तो करिए ना पापा। सारा नमस्ते बोलो मुझे, क्या इतना सीनियर आदमी आया है, कोई नमस्ते नहीं कुछ नहीं। नमस्ते सर। बाबा नमस्ते वो लोग करते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। हड्डियों में नहीं, तेरे दिमाग में पानी भर गया है। बोलो बकवास किया जा रहा है, मैं सारा से बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दे। बोलो बाबा मैं रोक नहीं रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, कितनी बड़ी हो गई है सारा। वो तो हुई है बाबा। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार सारा को देखा था। इतना सा था मैं। पापा, पापा, आप इतने से नहीं, सारा इतनी सी रही होगी। हाँ तो उम्र हो गई है मेरी, हो जाता है इधर उधर, उसमें क्या हो गया। वैसे मैं जॉनी साहब से बात करना चाहूंगा। ओह माय गॉड। नमस्कार जॉनी साहब। फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतना तजुर्बा है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं आपसे एक सीख लेना चाहता हूं, ये बाल आप इतने घुंघरालू कैसे रख लेते हैं? बड़े कलाकार हैं यहाँ पर पापा, इतने बड़े कॉमेडियन हैं और आप इनसे पूछ रहे हैं कि बाल घुंघराले कैसे रखते हैं? तो इनसे नहीं कहता, अनुपम खेर से पूछूंगा जाके कि बाल कहाँ कैसे रखने हैं। उनसे क्यों पूछेंगे, उनके सर पे तो बाल ही नहीं है। नहीं है तो जाके लगा देना। हाँ, जब देखो कुछ ना कुछ उखाड़ता रहता है, जाके कुछ लगा, अच्छे काम करते ही नहीं बदलेगी। जब देखो कुछ ना कुछ उल्टा ही करता रहता है। मैं उल्टा उल्टा करता हूँ पापा। हाँ। मुझे ब्लेम करते हो आप, हर बार मुझे ब्लेम करते हो, ये क्या हुआ तुझे पापा? पिलिलिक पिलिलिक पापा, फोर बज रहा है। पिलिलिक पिलिलिक
ये मेरा 5-7 सालों खराब कर दिया तुम लोगों ने। खुद बजा के रिहर्सल पे आते नहीं है, अपना ही बजाने। हेलो, हाँ जी बलवंत राय साहब, की हाल ने? क्या ओए, क्या हुआ बाबा? तू फिर से बलवंत राय का कुत्ता उठा के ले आया? इसके लिए बाबा आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? आपने कहा था कि गेट पे कुत्ते को बांध देना, घर की सिक्योरिटी रहेगी। मैंने बांध दिया गेट पे कुत्ता। ये तो अच्छा किया मेरे बच्चे। थैंक यू बाबा। कौन से गेट पे बांधा है? बाबा इंडिया गेट पे। अरे इंडिया गेट दिल्ली में है, हम लोग मुंबई में रहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया पे बांधना था। अब घर की रखवाली कैसे होगी? बाबा हमारी घर की और कोई आग उठाएगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। सारे दिन ऐसे ही घर पे बातें करता रहता है। हमारी लोहे की प्लेटें, चम्मच, खिड़कियां सब गला के रखती है इसने। बाबा सारे इल्जाम मुझ पे ही लगाइए, 2 प्लेट का पिघला दी, आपको तो हर चीज पे प्रॉब्लम हो जाती है बाबा। एक रोना नहीं। नहीं नहीं ठीक है बाबा, मैं गलत हूँ। नहीं रोना नहीं। गलत हूँ बाबा, मैं गलत। नहीं मेरा बेबी, नहीं रोना। मेरा बेबी संतरे की गोली खाएगा। मैं तो कहता हूँ बेटा बहुत हो गया, चल अब घर चलते हैं। आओ बाबा चलो चले। लेकिन तू मेरे साथ कहाँ जा रहा है? बाबा मैं आपके साथ ही तो रहता हूँ घर पे। क्या? हाँ वो तू ही है जो 20 सालों से मेरे घर पे रह रहा है। 20 साल का रेंट निकाल। बाबा मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको रेंट क्यों दूंगा? ये देखो आजकल के बच्चे, पैसे के लिए मेरे को बाप बना लिया रे। जब देखो घर से निकलते मुझे यहाँ इस रजत शर्मा के शो पे ले आता है। ये राजा शर्मा का शो नहीं, कपिल शर्मा का शो है बाबा। ये कपिल शर्मा है सामने बैठा है। अरे ये तो वो है, अपने स्टार लोग हैं। आ, गेस्ट हैं सारे बाबा। अरे मैं आप लोगों का सम्मान करना चाहता हूँ। ये सब हो गया, ये हो गया, हमने आगे कर दिया ये सब। अरे हो गया तो फिर मुझे यहाँ क्यों खड़ा रखा है? घर लेके चल। आ तो चलो ना बाबा। तू क्या कर रहा है मेरे साथ? मैं बेटा हूँ बाबा, मैं आपका बेटा हूँ। ओए रजत जी समझाइए इसे, क्या लगा रखा है इसने? बाबा वो कपिल शर्मा है। देख धीरे बात कर, कोई नहीं रेंट कम दे देना लेकिन इज्जत तो कर। नहीं नहीं रहना मुझे, हम जा रहे हैं। बाबा मैं भी साथ में चलूंगा बाबा। वैसे तो है कौन? है वो आपका बेटा बाबा। बेटा भाई थैंक यू, थैंक यू। ये तो लेने आए होते हम लोग, कुछ नहीं होता। हाँ कोई नहीं, स्टैंडिंग ओवेशन होता है तो हम आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा इंपॉर्टेंस लेने के लिए। लव यू, थैंक यू। ए माँ उधर कुछ है, माँ 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 थोड़ा घास लेट देना माँ माँ। ए सर्किट, ए सर्किट, अगर मरीज मरने की हालत में हो तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? ए 75 तोला, ए 75 तोला। देखिए हमने रायता फैलता ये तो सुना था, आप तो डायलॉग फैला रहे हैं। क्या आपको चाहिए क्या? मांडवा किसका? गाली किसको दी? अबे गाली नहीं दी बे। मांडवा मेरे गांव का नाम है। भक्त साले। अब इसने गाली दी? ए मेरे गांव का नाम है भक्त सालेपुर, मिर्जापुर के बगल में। बकवा एक मिनट, ये क्या चल रहा है? ये आप लोग दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्या रहा है? वेलकम माई फ्रेंड। अरे
के इतने पास आकर भी तुम कैसी बातें कर रही हो? इसे जानती हो? नहीं, कौन है? बहुत अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। ये मानवा का मंडू तो देखा था मैंने, ये झांडवा का झंडू कौन है? मैं दोस्तों का दोस्तों और दुश्मनों का दुश्मन। मतलब दोस्त का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, मतलब भाई का भाई, भाभी की भाभी। इधर जगह में तो चुपचाप जाके बैठ जाओ। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, 1,000 रुपए के लिए। अच्छा, शुरू कीजिए। लेकिन आपसे गुजारिश है, जीतिएगा मत। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1,000 रुपया वो भी बंद हो चुका है। तो पहला प्रश्न रहा ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। नहीं है। आपकी फिल्म अग्निपथ का सुपर हिट डायलॉग था कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। तो आदमी क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा, आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए, चखना लेकर आया है। पौवा लेकर जाएगा। अब लाया चकना तो पौवा ले जाएगा। ऑप्शन बी, बारात लेकर आया है। दुल्हन लेकर, दुल्हन लेकर जाएगा। उतना तो बनता है। ऑप्शन सी, बिना हेलमेट के आया है, चालान लेकर जाएगा। ऑप्शन डी, राजकुमार हिरानी की फिल्म लेकर आया है, अवार्ड लेके जाएगा। शकाल साहब चाहे तो आप अपनी राय दे सकते हैं। वेलकम माई फ्रेंड्स। अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। अरे समझ गए यार, मेरे को आपको एक बात पूछनी थी। हाँ? ये नारियल मलाई वाला है कि पानी वाला है? देखिए मलाई का तो हमको पता नहीं है, लेकिन अंदर गोबर बहुत है, फोड़ के देखो ना। अगर तुमने दोबारा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं मगरमच्छ के आगे डाल दूंगा। अच्छा, इसके बारे में जानते हो? हाँ। कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। संजू बाबा आप जवाब दीजिए, ऑप्शन ए बी सी या डी। क्या? आई डोंट नो, क्या होना चाहिए? चखना पौवा, राजू ईरानी वाला। बिल्कुल सही जवाब। आपके जवाब से हम अति प्रसन्न हुए। आपके लिए पेश है 1,000 रुपए का डांस। पापा, बेबी का डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा। अरे एक नंबर का घटिया डांस किया तूने। ये चमेली नहीं है, हवेली है, हवेली। अरे क्या कमाल लग रही हो तुम तितली। शीज माय वाइफ तितली। अरे चिकनी चमेली नहीं, तुम तितली चमेली हो। थैंक यू, वेलकम माय फ्रेंड। आपका कितने फ्रेंड है? मेरे अड्डे पे डांस करोगी? हाँ जी। मेरे अड्डे पे डांस? कौन से अड्डे पे? खुद तो बस अड्डे के बाद मूंगफली बेचते हो, अड्डे पे डांस करोगी? हट, छोड़िए छोड़िए, अड्डा पड्डा छोड़िए। हमसे निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, जरा मुद्दे पे, मतलब मुद्दे पे आइए, आगे बढ़ाइए खेला। बिल्कुल, अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए पेश किया है। मान्यता जी जरा गौर से सुनिएगा। संजू बाबा की एक फिल्म आई थी कि हसीना मान जाएगी। सवाल ये है कि संजू उस फिल्म में हसीना को क्यों मना रहे हैं? ऑप्शन ए, तब शादी नहीं हुई थी इसलिए मना रहे थे। ऑप्शन बी, ये शादी हो चुकी थी लेकिन बीवी मायके गई थी इसलिए हसीना को मना रहे थे। ऑप्शन सी, दिवाली नहीं मना पाए इसलिए हसीना मना रहे थे। या ऑप्शन डी, हसीना को सब पता था, वो सबको बता देगी इसलिए हसीना को मना रहे थे। मुझे लगता है अगर हम लोग ने सही जवाब दिया तो और एक ऐसा आइटम आ जाएगा स्टेज पे। तो हमें गलत जवाब देना चाहिए। बोलिए आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है? दिवाली नहीं मनाई थी। मेरे को लगता है शादियां तो तीन की हैं, तो बहुत पहले से शादी शुदा है। दिवाली नहीं मनाई थी। मैं चाहता कि एक बार एक्सपर्ट की राय भी ले लीजिए, बिकॉज इनकी दिहाड़ी मर जाएगी। शकाल साहब आप क्या कहना चाहेंगे?
वेलकम माय मतलब तेरे फ्रेंड का वेलकम तो मान दे जी का जवाब लॉक किया जाए। जवाब क्या? दिवाली वाला। दिवाली दिवाली नहीं मनाई। दिवाली वाला दिवाली। ओ आप जीती हैं 2000 रुपए। जोरदार तालियां। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।